सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा के पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो के सभी कलाकार दर्शकों के दिल में बसते हैं, फिर चाहे वो भारती सिंह हो या कृष्णा अभिषेक, खुद कपिल शर्मा हो या फिर कीकू शारदा, हर किसी का अपना अलग ही अंदाज है जिसे फैंस बेहद ही प्यार करते हैं। वहीं दर्शक भी इन स्टार्स को असली नाम से नहीं बल्कि इनके किरदार के नाम से ही जानते हैं। ऐसे में कीकू शारदा, जो कि फैंस के बीच बच्चा यादव के नाम से काफी पॉपुलर हैं, आज कीकू जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। इसी वजह से कीकू का नाम इंडिया के टॉप कॉमेडियन में शामिल है। बता दें कि वैसे कम ही लोगों को पता है कि कीकू का असली नाम रघुवेंद्र शारदा है। मुंबई में पले बड़े कीकू मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता चाहते थे कि कीकू फैमिली बिजनेस संभाले, लेकिन उन्हें एक्टिंग से बहुत ही प्यार था। कीकू ने बिजनेस करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और जहाँ उन्हें पर एक्ट 700 रुपये मिला करते थे। एक्टिंग और डांस का शौक रखने वाले कीकू ने साल 2013 में डांस रियलिटी शो नच बलिए में अपने ठुमकों का जादू बिखेरा था। कीकू ने टीवी शो हातिम से डेब्यू किया था, जिसमें दर्शकों को कीकू की अदाकारी काफी ज्यादा पसंद आई थी। इसके बाद कीकू को सीरियल FIR के लिए भी काफी तारीफ मिली। टीवी शो के अलावा कीकू ने हैप्पी न्यू ईयर, धमाल, फिर हेरा फेरी और अंग्रेजी मीडियम जैसी फिल्मों में भी काम किया। कीकू ने साल 2013 में कपिल शर्मा शो में एंट्री की और तब से कीकू कपिल शर्मा शो का ही हिस्सा बने हुए हैं। बता दें कि द कपिल शर्मा शो में कीकू ने अब तक पलक, बम्पर, बच्चा यादव और अच्छा यादव जैसे किरदार निभाए हैं और सभी किरदारों में फैंस ने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया है। इसी शो में गुरमीत राम रहीम की नकल करने पर एक बार उन्हें 14 दिन जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। बात करें कीकू शारदा की फीस के बारे में, तो सूत्रों के मुताबिक कीकू द कपिल शर्मा शो के हर एपिसोड के लिए 5 से 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। खैर दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल इंटर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।